ये आपने रेड पिटिशन फाइल करी है मैडम, काहे के लिए कि मैडम उसको प्रोड्यूस किया जाए, और कितनी कॉस्ट लगाए आप पे? पहले हमारा निवेदन ही मिला अरे है। आपने मारपीट करके भगा दिया व्यूवर्स को, और अच्छा आपने ऐसा कोर्ट कर में सकते बुला हैं रहे हैं? तो मैडम, इनका कहना है नहीं, मैडम, कॉस्ट लगाएंगे आप पे कम से कम 10,000 रुपये। हमारा निवेदन ही मिला है। यस, वो गरीब आदमी है, अरे गरीब आदमी क्या है मैडम, अब उसको तो जानकारी भाई, ही नहीं। फाइल डिवोर्स कॉर्पस, उसको पता नहीं है कि वाइफ उसके साथ नहीं रहना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं था मैडम, तो ये बड़ी, चली गई अरे ये उन्होंने। तो कह रही है ना 2006 से ये घर कह छोड़ के चली रही गई, है मैडम, अगर ऐसा होता तो हम रिपोर्ट, 2006 से छोड़ के गई। हम रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार, और जानकारी 01 इन द कंप्लायंस ऑफ लास्ट ऑर्डर डेटेड पर यस द वाइफ ऑफ द पिटीशनर एंड सन ऑफ द पिटीशनर इज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एंड सी द लेफ्ट इन द हाउस इन द ईयर ऑफ 2006 देयर आफ्टर मदर दिस मूव द एप्लीकेशन बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सेज की ये हमारे साथ कहीं भाग गई है, सो मेनी एलिगेशन मेड बट ही इज द प्रेजेंट ऑन द कोर्ट एंड स्टेटेड दैट इन द ईयर ऑफ 2006 आई एम लेफ्ट द हाउस विच विच नंबर 101 101 में और इनका कहना कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, मारपीट करते रहे वो हमारे साथ, इसलिए 2006 में हमने घर छोड़ दिया। नंद किशोर जी मिला, ये आपने रेड पिटिशन फाइल करी है मैडम, काहे के लिए कि मैडम उसको प्रोड्यूस किया जाए, और कितनी कॉस्ट लगाए आप पे? पहले हमारा निवेदन ही मिला है। अरे आपने मारपीट करके भगा दिया व्यूवर्स को, और अच्छा ऐसा कोर्ट कर में सकते बुला हैं रहे हैं? तो मैडम, इनका कहना नहीं है नहीं मैडम, कॉस्ट लगाएंगे आप पे कम से कम 10,000 रुपये। पहले हमारा निवेदन ही मिला है। यस, वो गरीब आदमी है, अरे गरीब आदमी क्या है मैडम, अब उसको तो जानकारी भाई, ही फाइल डिवोर्स कॉर्पस, उसको पता नहीं है कि वाइफ उसके साथ नहीं रहना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं था मैडम, ये बड़ी, चली गई अरे ये तो कह उन्होंने। रही है ना 2006 से घर छोड़ के ये कह चली रही गई, है मैडम, अगर ऐसा होता तो हम दो रिपोर्ट, हजार छह से छोड़ के यस गई। यस हम रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार, और जानकारी मांग रहे हैं मैडम। आपको क्या कहना है भाई, यही है क्या भाई? ये है, ये अभी है हाँ, आप नहीं रहना चाहते ना इनके साथ? कब से आपने घर छोड़ दिया? इनको पता नहीं है आपके पति को? बच्चों को भी मानते हैं, छोटे बेटे को छोटे बेटे के नाक में कुछ कौन निकल गया, इसका डेथ हो गई सर। ये मैं इस बच्चे मेरे दोनों बच्चों को लेकर मैं घर से निकल रही थी, और निकली तो मैं कुछ भी गई, और पूंडी है वहाँ पर, मैं रात में खेत में रुकी थी सर किसी के, और जैसे गाड़ी आई मैं गाड़ी में बैठ करके दोनों बच्चों को लेकर के चले गई। वहाँ जाने के बाद जैसे कुंडली से गाड़ी बैठे मैं बैहर निकल गई सर, बैहर में फिर मेरे को फिर डर लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे आए मेरे को अन्ना और मारे करके। फिर मैं वहाँ से मेरे को गाड़ी मिली तो मैं रायपुर वाली गाड़ी में बैठ करके मैं रायपुर निकल गई। फिर वहीं पे मैं रहने लगी, वहाँ एक होटल थी चाय पानी की, तो दिन में उनका काम चलता था तो मैं बाहर रहती थी सर, रात के समय पे खाली रहता तो मैं वही छाव में रह जाती थी बच्चे लेके। फिर वैसे से वहीं फिर मैं काम में लग गई, फिर मेरे बच्चों के साथ में मैं रहने लगी। कुछ दिन बीता, इसके बाद में मेरा बेटा का भी था। एक बेटे की डेथ हो गई, yes. इसकी शादी हो गई है, 34 इयर्स का है, फिर भी 3 बच्चे हैं। देयर इज नो ऑफ एडॉप्शन एंड दी अब ये इनको लगाना, सेक्शन 9 लगाते सर ये इतने सालों में, अगर इनको रखना था साथ में 2006 से कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया, अभी इनने जाके एक एप्लीकेशन मूव कर दी और डायरेक्शन के लिए कोर्ट आ गए। क्या आप सीधे हाई कोर्ट आ गए? आपको पता भी है आपने क्या किया? नहीं, तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं चला? नहीं, उस समय खत्म नहीं हुआ मिला, लेकिन उसकी चोट से नहीं, आपने जो मारपीट करी उसी से खत्म हुआ है, तो 2006 में बाद में खत्म हो जाएगा ये। तो इनने स्टेटमेंट आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते हैं कि अब कैसे खत्म हुआ, कोई रिपोर्ट और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए? उस समय इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी प्रकार का कुछ होने, हम तो खुद अपने जान बचा के भागी थी कि तो आप मार ना दो। वहां जाके रिपोर्ट करती, यहां करती, कहीं भी रिपोर्ट करती, उसके बाद तो रिपोर्ट पिटीशनर हैज फाइल्ड दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग फॉलोइंग प्रेयर, ये प्रेयर लिख देना, काउंसिल अपियरिंग फॉर पिटीशनर सबमिटेड that petitioner that respondents failed to decide his representation and did not search his wife and son, therefore he is forced to file this petition before this court, full stop. Police kahan se aaye hain? Paraswada district Balaghat police station Parasia बालाघाट प्रोड्यूस्ड रेस्पोंडेंट नंबर 7 and 8 बिफोर दिस कोर्ट।
रेस्पोंडेंट नंबर, ये इनको पार्टी नहीं बनाया, आपका क्या नाम है? सुरतन भाई नाम है, सुरतन भाई। ये सुरतन भाई को तो उन्होंने पार्टी नहीं बनाया, नहीं बनाया, इन्हीं को तो हम ढूंढ रहे हैं मिलाडी। ये संत किशोर कौन है? पति है मिलाडी। तो इनको आपने रेस्पोंडेंट क्यों बनाया है? संत किशोर आप कौन है? वो लोग मिलाडी, हम तो नंद किशोर है, इनके हस्बैंड। वो लोग कौन है? ये लोग परेशान करते थे हमको, इन्हीं के कारण भागी है। अरे ये कौन है? संत किशोर कौन है? सम्मी किशोर, जयप्रकाश, ये लोग गांव के हैं मिलाडी। और यही लोग परेशान करते थे, लोग मारते पीटते थे इन्हीं के, और इन्हीं लोगों ने भगवाया है मिलाडी। क्या लिखा? नहीं, प्रोड्यूस्ड वाइफ ऑफ पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट, शी इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट एप्लीकेंट यूज्ड टू बीट हर एंड हिज सन मर्सीलेसली, देयरफॉर शी लेफ्ट हर हस्बैंड इन ईयर 2006 अलोंग विद हर टू सन्स। Husband is well aware of the said facts and regarding his behavior with his wife, full stop, she is not living with her husband since last 18 years, full stop. Ongoing, after considering the statement given by the wife of petitioner, petition is dismissed with cost of rupees 10,000. मिलाडी, हमारा निवेदन है मिलाडी, नहीं हम पार्टी, हम पर्टिकुलर मिलाडी निवेदन कर रहे हैं, पुलिस से कर रहे हैं, जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, और डे बाय डे कंप्लेंट। अरे आपको खुद पता है, आप डेली मारपीट करते थे, वो चली गई, अब क्या जा रहे हैं हम पुलिस स्टेशन में? कम से कम 18 साल हो गए। पिटीशन इज डिसमिस्ड विद कॉस्ट ऑफ 10,000। हमारे निवेदन में कास्ट को मिला, नथिंग डूइंग। अब गरीब आदमी का लॉ, if cost is not deposited within period of 30 days then collector is directed to recover the cost by issuing rrc. मेरा बेटा कर लेते हैं, और थोड़ी देर खड़े रहेंगे क्या? नो मिलाडी, हां कर जाइए। यस, कुछ कम कर दिया जाता है, बड़ो करी याद नहीं करता, नथिंग डूइंग। ये नंबर 304 ये प्लेस कमांड जी।